संदोसी में 9 साल की मासूम के अपहरण के बाद उसकी हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि आरोप है कि मासूम के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आपको यहां यह भी बता दें कि चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में देर शाम एक 9 साल की मासूम का पड़ोस के युवक ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने मासूम की तलाश की पर मासूम का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं लगभग देर रात 4 बजे आरोपी युवक मासूम को एक प्लास्टिक के कट्टे में डालकर जंगल में फेंकने जा रहा था, तभी आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और नी वस्त्र करके जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि मासूम का शव पीएम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद से अब राजनीति भी गर्मा गई है। स्थानीय नेताओं का पीड़ित के घर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। स्थानीय सपा नेता मोनी कुमारी ने प्रदेश सरकार व कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सरकार से आर्थिक रूप से मदद की मांग की है। वहीं आरोपी के खिलाफ NSA स्तर कार्यवाही करने की मांग को उठाया गया है। संभल से संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। के साथ में अपहरण कर हत्या हुई है उसकी और दुष्कर्म का परिवार वालों ने आरोप लगाया, तो क्या मांग की है यहाँ पर आपने? देखिए, मैं चाहती हूँ पहली बार तो जिसने भी ये करा है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और सरकार से ही मांग कर रही हूँ कि इस परिवार बहुत बेहद गरीब है, इसे 50 लाख रुपए देना चाहिए और इस पर NS लगनी चाहिए आरोपी के खिलाफ। अगर उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसका मनोबल बढ़ेगा अपराधी का, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि और भी लोग जो हैं इस काम के लिए आगे नहीं आए। बलात्कार हुआ है क्यों बताओ? इसने 6 बजे मार के 5:30 बजे मार के ना रख के रख के और 4 बजे डाली है। 4 बजे ले जाते हमने दोनों आदमी ने और कॉलोनी वाले सबने देख लिया। फिर मुंह खोल के बात करो ना, मुंह खोलो सब जने आ गए हैं तो लड़की को इस हिसाब से लड़की को ले जा रहे हैं, ये इस हिसाब से देखा है हमने। इसके बच्चे घर पे है नहीं? बच्चे घर पे है नहीं, खाली नेकर पे रहा है। कोई वस्त्र इसके शरीर पे है नहीं, कोई कपड़ा कोई नहीं है इसके शरीर पे, खाली नेकर पे रहे। तो मैंने ये बोला, मैं सर ये रिपोर्ट में लिखो कि कोई कपड़ा ये पहरा हुआ नहीं था, तो ये ना वो भी नहीं लिखा है मेरे कहने से। बोले हम यही नहीं लिखेंगे। मैंने कि ये कपड़ा पहन के इसने बेइज्जती करी लड़की की, नंगा करके और अपना भी नंगा है, तो यहाँ का इस लड़की को यहाँ का बलात्कार किया है, तो इस हिसाब से इसकी रिपोर्ट लिखो। मैंने मेरी एक भी नहीं मानी पुलिस ने। सांप तो ये कह रहा था लड़की तुम्हारी सांप ने काट ली थी। मैंने कि सांप ने काट ली तो बच्ची के अपहरण के बाद रेप की आशंका जताई गई है और उसको जो क्या पूरा मामला क्या है? हाँ, चंदोजी थाना क्षेत्र में कल एक सूचना मिली आज की। कल एक लड़की अपने घर से शाम को गई थी खेलने के लिए, लेकिन घर जब वापस नहीं आई है तो उसके परिजन उसको खोजने के लिए निकले हैं, तो उसको ये पता लगा कि ये लड़की इसी मोहल्ले के रहने वाले दयाराम नाम के घर पे गई थी TV देखने। और उसके बाद जब ये लोग तलाश करते करते सुबह हो गई तो सुबह 4 बजे देखा कि दयाराम हाथ में एक टाट की बोरी में कुछ लेके जा रहा था। उन लोगों ने दौड़ा के उसको रोका, पूछा तो उसमें देखा उसकी बच्ची की ही उसमें लाश मिली है। तब तक उसको उन्होंने पकड़ के तुरंत पुलिस को सूचना दिया है। पुलिस तत्काल मौके पर आई है और बोरे को अपने कब्जे में लेके आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया है। सर, रेप की आशंका जताई गई है, क्या ये घटना को अकेला इंसान था घटना को अंजाम देने वाला, ये कुछ और लोग? ये अब जब PM रिपोर्ट के बाद ही जब कुछ मिलेगा तब इस पर कुछ आरोपी से पूछताछ में कुछ अभी तक पता नहीं चला है। PM के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है, इसकी पुष्टि। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.